दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली शराब घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी ईडी और सीबीआई ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा और कोर्ट ने एजेंसी को सिर्फ 4 दिन का समय दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं मामले की सुनवाई की तारीख आज यानी 8 मई को रखी गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई के वकील ने कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। वहीं आपको बता दें, आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकील ने कहा है कि जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं और जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया जाएगा। और इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने इसका जमकर विरोध भी किया है। आपको बता दें, इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का और वक्त दिया है और सोमवार यानी 13 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्री मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी थी और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं दिल्ली की राव जवनी कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने के संबंध में आगे की बहस के लिए अगली तारीख भी तय की है। अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया के राव जवनी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आपको बता दें, जस्टिस समर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और वहीं सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया, जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है। वहीं राव जीवनी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे और जज बावेजा के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश अभियोजक पंकज गुप्ता ने कहा कि मैं सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यानी पीएमएलए के तहत जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया पर मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर शुरुआती चरण में है। वहीं गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलनी है। वहीं बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। ऐसे में सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो 7 बार खारिज हो चुकी है, जिसमें अब सिसोदिया ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। अब वहां से भी उनको बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।